वचन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वचन होता क्या है। तो आइए एक नजर हम लोग श्याम पट पे डालते हैं। तो सबसे पहले वचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जिस शब्दों से हमें पता चले कि उसका रूप क्या है, वह एक रूप में है या एक से अधिक रूप में है, उसे ही हम वचन कहते हैं। शब्दों का जो रूप जो हमें बताता है कि वह वस्तु वह प्राणी किस प्रकार से है, किस रूप में है, एक रूप में है अथवा एक से अधिक रूप में है, उसे भी हम वचन कहते हैं। और अब आएंगे हम लोग वचन के भेद। तो वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो शब्द के वह रूप जिससे हमें पता चले कि वह शब्द वह प्राणी वह वस्तु किस रूप में है, एक रूप में है अथवा एक से अधिक रूप में है, उसे ही हम वचन कहते हैं। और वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए हम लोग जाने कि एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति प्राणी या एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। तो शब्द के रूप जिससे पता चले कि वह शब्द वह वस्तु वह प्राणी किस रूप में है, एक रूप में है अथवा दो रूप में है या एक से अधिक रूप में है, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन जिससे कि जिस रूप से हमें पता चले कि वह व्यक्ति एक है, वह प्राणी एक है, वह वस्तु एक है, उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जिससे हमें पता चले कि वह प्राणी वह वस्तु किस रूप में है, एक रूप में है या एक से अधिक रूप में है। अधिक रूप में है तो वह एक वचन नहीं है, लेकिन अगर वह एक रूप में तो वह क्या है? एक वचन है। शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति प्राणी या एक ही वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिससे सिर्फ एक का बोध हो उसे ही हम एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का क्या है? लड़का। क्या एक लड़का के बारे में यहाँ बताया जा रहा है? माता। एक माता के बारे में बताया जा रहा है? चिड़िया। एक चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है? उसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम एक रूप में जानते हैं या एक रूप में जहाँ पे बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। आइए दूसरा भेद है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्तियों प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि एक वचन जहाँ पे सिर्फ एक वस्तु या प्राणी का बोध हो, जिस सबसे हमें पता चले कि यह एक का बोध करा रहा है उसे क्या बोलते हैं? एक वचन। लेकिन दूसरा क्या है? बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से ज्यादा का बोध हो, यहाँ पे हमें ज्यादा लोगों का ज्यादा वस्तुओं का बोध करा रहा है वह शब्द, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जहाँ पे हमें पता चलता है यह शब्द जो है हमें एक से अधिक चीजों का बोध कराता है या एक से अधिक चीजों के बारे में बता रहा है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक वचन में क्या था? लड़का। इसका मतलब क्या? यहाँ पे एक लड़का के बारे में बोध हो रहा है, एक लड़के के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है बहुवचन में? लड़के। यहाँ पे एक से अधिक लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह जो शब्द है वह तुरंत परिवर्तित होकर के लड़का से क्या हो गया? लड़के। क्योंकि लड़का जो शब्द यहाँ एक लड़का के बारे में बता रहा है इसलिए वह एक वचन में आ रहा है, और यहाँ क्या है? लड़के। क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक लड़के के बारे में लड़कों के बारे में बताया जा रहा है तो लड़का शब्द से वह परिवर्तित होकर लड़के हो जाता है और वह बहुवचन में आ जाता है। उसी प्रकार से माता, यहाँ पे एक वचन में है इसका मतलब एक माता के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब ये बहुवचन में आ जाएगा, जब यहाँ पे हम एक से अधिक माताओं के बारे में बात करेंगे या एक से अधिक माताओं के बारे में बताएंगे तो वहां पर एक वचन से परिवर्तित होकर वो बहुवचन में आएगा, तो क्या हो जाएगा? माताएं। क्या हो जाएगा? माताएं। उसी प्रकार से चिड़िया। चिड़िया क्या है? एक वचन में है तो यहाँ पे क्या बोध हो रहा है? एक चिड़िया के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब वह बहुवचन में आ जाएगा तो क्या होगा? चिड़िया। तो वह क्या हो जाएगा? चिड़िया। तो वह यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर वह दो चीजों के बारे में या एक से अधिक चीजों के बारे में बताया जा रहा। परिभाषा और भेदों को जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे वाक्यों में वचन की पहचान। तो सबसे पहले संख्या की पहचान कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। जो संख्या हमें बताता है कि यह एक है या एक से अधिक है
द्वारा हम यह पता लगाते हैं या हमें पता चलता है कि यह किस वचन में है, किस रूप में है। तो सबसे पहला पहचान है संख्या की पहचान कराने वाले शब्दों की वचन को वचन कहते हैं। तो सबसे पहला पहचान है वचन का संख्या। संख्या के रूप में हम शब्दों को किस प्रकार से पहचानते हैं और किस प्रकार से हम वचनों का परिवर्तन, उस शब्द का परिवर्तन, उस वाक्य का परिवर्तन करते हैं। तो आइए देखिए, लड़का मैदान में खेल रहा है। लड़का कहाँ खेल रहा है? मैदान में खेल रहा है। लेकिन कितना लड़का खेल रहा है? सिर्फ एक लड़का खेल रहा है। कितने लड़का खेल रहा है? सिर्फ एक लड़का खेल रहा है। लड़का मैदान में खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या बोध हो रहा है इस शब्द से? कि लड़का मैदान में खेल रहा है, सिर्फ एक लड़का मैदान में खेल रहा है। इसीलिए यह क्या हुआ, यह वाक्य जो है एक वचन में हुआ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लड़के का बोध हो रहा है। उसी प्रकार से दूसरा जो वाक्य है वो क्या है? लड़के मैदान में खेल रहे हैं। पहला वाक्य क्या है? लड़का मैदान में खेल रहा है। तो यहाँ पे एक लड़का का बोध हो रहा है। हमें क्या पता चल रहा है? मैदान में कितना लड़का खेल रहा है? सिर्फ एक लड़का खेल रहा है। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं कि यह एक वचन है। वचन का कौन सा रूप है? एक वचन है। लेकिन दूसरे वाक्य से हमें क्या पता चल रहा है कि लड़के मैदान में खेल रहे हैं, तो यह कौन सा रूप हो गया? बहुवचन। यहाँ पे हमें क्या इस वाक्य से पता चल रहा है कि यहाँ एक से अधिक बहुत सारे लड़के जो है वो मैदान में खेल रहे हैं। इसीलिए यह वचन का बहुवचन रूप माना गया है और बताया जा रहा है। यहाँ पे एक लड़का का बोध हो रहा है, इसलिए यह एक वचन में है। यहाँ पे लड़के एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, इसीलिए यह बहुवचन में, बहुवचन के रूप में बताया जा रहा है और लिखा गया है। दूसरा परिवर्तन है, जब संज्ञा या सर्वनाम से वचन का पता ना लगे तो क्रिया से वचन ज्ञात हो जाता है। संज्ञा, जिससे कि हमें किसी भी वस्तु का नाम, स्थान का नाम, प्राणी का नाम, किसी भी प्रकार का नाम जो है क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के जगह पे जिस शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? सर्वनाम। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम से हमें वचन का पता नहीं चलता है तो उसके द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, उसके द्वारा जो काम किया जाता है, उसके द्वारा हम वचन का पता लगा लेते हैं। जैसे कि बालक सो रहा है। क्या सो रहा है? बालक सो रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बालक सो रहा है, तो कितने बालक सो रहे हैं? सिर्फ एक बालक सो रहे हैं। इसलिए यह किस वचन में है? एक वचन में है। यहाँ पे क्रिया के रूप से, संज्ञा और सर्वनाम के क्रिया के रूप, इस बालक के द्वारा क्या काम किया जा रहा है कि वह सो रहा है। क्या काम कर रहा है? सो रहा है। तो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम का यह जो रूप क्रिया को बता रहा है, उसके द्वारा हम वचन का पता लगाते हैं और पता लगा रहे हैं कि यहाँ पर एक बालक सो रहा है, इसलिए यह एक वचन में आ रहा है। उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में क्या है? बालक सो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? संज्ञा और सर्वनाम की जो क्रिया है वो बता रही है कि यहाँ पे एक से अधिक बालक सो रहे हैं, इसलिए इसका वचन परिवर्तित होकर बहुवचन में आ जाता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? बालक सो रहे हैं। क्या हो रहा है? बालक सो रहे हैं। इसीलिए यह कौन से रूप में है? बहुवचन के रूप में। जब वह संज्ञा और सर्वनाम का जो क्रिया काम के रूप से हमें पता चले और उससे पता चल रहा है पहले वाक्य में कि बालक सो रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है कि सिर्फ एक बालक सो रहा है, इसलिए यह एक वचन के रूप में है। और दूसरे वाक्य में सर्वनाम और संज्ञा के रूप से पता चल, उसके क्रिया के जो काम कर रहा है बालक सो रहे हैं, वहां पे एक से अधिक बालक सो रहे हैं, तो उसके बहुवचन रूप को दर्शा रहा है। तो यह आप लोगों ने जाना कि संख्या की पहचान से शब्दों का वचन के रूप में पहचान, जिससे कि लड़का मैदान में खेल रहा है, यहाँ पे एक लड़के का बोध हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक वचन है। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, यहाँ पे एक से अधिक लड़कों का बोध हो रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। इसी प्रकार से बहुत सारे हैं, जैसे लड़की खेल रही है या लड़की गा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लड़की गा रही है, मतलब एक लड़की गा रही है, लेकिन लड़कियां गा रही हैं, तो बहुत सारी लड़कियां गा रही हैं, यहाँ पे एक से अधिक लड़कियों का बोध हो रहा है, इसलिए वह बहुवचन के रूप में चला जाएगा या उसे बताया जाता है। लेकिन जब संज्ञा और सर्वनाम का परिवर्तन हम उसकी क्रिया, उसके काम के रूप में करते हैं, जैसे लड़कियां दौड़ रही हैं या लड़की दौड़ रही है, तो लड़की दौड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लड़की दौड़ रही है, उसकी दौड़ना उसका क्या है? उसकी क्रिया, उसके काम को बता रहा है कि वह दौड़ रही है। लेकिन लड़कियां दौड़ रही है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारी लड़कियां दौड़ रही है, इसलिए लड़की दौड़ रही है मतलब एक लड़की दौड़ रही है, वह अपने दौड़ने के कार्य को कर रही है। लेकिन दूसरे वाक्य में क्या है? लड़कियां दौड़ रही है, यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत सारी लड़कियां, एक से अधिक लड़कियां दौड़ रही हैं, वह उसके दौड़ने के, उसके कार्य करने की क्रिया को बता रहा है, इसलिए वह बहुवचन के रूप में आ जाएगा।
अब हम लोग आते हैं कुछ वचन परिवर्तन, एक एक वचन से बहुवचन हम उसे किस तरह से बनाते हैं और उसे किस तरह से परिवर्तित करते हैं, आइए एक बार इस पे नजर डालते हैं। जैसे लोटा का क्या बहुवचन रूप हो जाएगा, लोटे। लोटा मतलब एक लोटा, लोटे मतलब एक से अधिक लोटे। तो यहाँ पे एक वचन से हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं। जब एक चीज एक वस्तु के बारे में बताते हैं तो वह एक वचन हो गया, जब एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के बारे में बताते हैं तो वह बहुवचन हो गया। उसी प्रकार से खा खाटे, कला कलाएं, शक्ति शक्तियां, कली कलियां, मेला मेले, आलू आलू, नहर नहरे। कहीं कहीं पे हम एक वचन जो शब्द या कोई प्राणी होता है उसका एक वचन का रूप उसका एक ही वचन हो जाता है, उसका बहुवचन के रूप में वह एक वचन के ही जैसा रह जाता है। जैसे आलू का क्या हो गया, आलू में। ये क्या शब्द अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं, उसका कोई भी बहुवचन में परिवर्तन नहीं होता है, वह एक वचन के ही तरह से बहुवचन में भी लिखा जाता है। जैसे मौसा का बहुवचन भी मौसा ही होता है, मंत्री उसका एक वचन भी मंत्री होता है, उसके बहुवचन का रूप भी मंत्री ही होता है। उसी प्रकार से आप लोगों ने वचन के बारे में जाना कि शब्दों का वह जो उसकी संख्या को बताता है कि वह एक है या एक से अधिक है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन उसे कहते हैं जिससे कि एक चीज एक वस्तु एक प्राणी के बारे में बताया जाए। जैसे लड़का लड़की घोड़ा हाथी, या क्या एक चीज एक प्राणी एक वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन जिसे एक से अधिक